जब भी सवाल पूछा जाता है बिना रुके मैं बोलती हूँ खतरों के खिलाड़ी, बिकॉज मुझे हमेशा से उस शो में जाना है। कुछ टिप्पणी तो इस पर नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली आई लाइक अंकिता लोखंडे, क्योंकि हमने उनको पवित्र रिश्ता में इतने पहले से देखा हुआ है तो, एंड आई एम ऑल्सो लाइकिंग मुनावर अभी तक, तो फिलहाल मुझे मुनावर भी काफ़ी सुलझे हुए लग रहे हैं। कि बिग बॉस में फिलहाल मेरे फेवरेट्स है अंकिता और मुनावर दोनों, एंड बिकॉज वो लोग काफ़ी काम कंपोज लग रहे हैं, एंड ऐसा नहीं है कि बेकार का एग्रेशन नहीं दिखा रहे, ऐसा कुछ नहीं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे बोल रहे हैं। एंड अंकिता की तो मैं ऑलवेज फॉर एवर फैन रही हूँ पवित्र रिश्ता के टाइम से, एंड आई जस्ट होप कि उन दोनों में से कोई विनर हो। मुनावर के बारे में क्या कहते हैं? इज़ वेरी क्यूट, ही इज़ एक्चुअली वेरी क्यूट, नॉट ओनली अपियरेंस वाइज बट उनका बिहेवियर, जैसे वो बातें करते हैं, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि उनको मैं और देखूँ बिग बॉस में, उनका उनके बारे में और पता चले। मैं तो ये जब भी सवाल पूछा जाता है बिना रुके मैं बोलती हूँ खतरों के खिलाड़ी, बिकॉज मुझे हमेशा से उस शो में जाना है, बिकॉज वहाँ पे मतलब आप खुद के फियर्स को फेस करते हो, इतना एक्साइटिंग होता है सारा कुछ, तो आई जस्ट होप कि जल्दी मुझे जाने का मौका मिले। एक्चुअली आद्विक और नेहा दोनों ही बहुत ज़्यादा प्यारे हैं एंड मेरे काफ़ी फेवरेट है दोनों। एक्चुअली मैं आद्विक जी से नेहा के थ्रू ही मिली, लेकिन सेट पे मतलब शूट पे हमारे फोटोशूट्स पे इतनी बॉन्डिंग हो गई कि अभी आज उनका बर्थडे प्री बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम लोग, एंड ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, तो मैं उनको अपने दिल से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। एंड आई एम ग्लैड कि मुझे इन्विटेशन मिला, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ ए स्पेशल डे। And here we are. तो ये आज आपने जो ड्रेसअप किया है ये थीम है या बस मतलब भाई फटाफट चलना है? एक्चुअली मैंने कुछ और सोचा था, आई थॉट कि मैं एक पिंक कलर का शर्ट और लेदर स्कर्ट पहनूंगी, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं कुछ और पहनते हैं, बिकॉज मैं कैजुअल्स ऐसे मतलब कैजुअली है ये, तो कैजुअल्स में कभी आई नहीं बाहर, तो आई थॉट कि चलो फॉर अ चेंज कम्फर्ट को चूज करते हैं। एंड हाँ, लास्ट मोमेंट डिसाइड हुआ। अभी अपकमिंग तो मेरी अमेजोन की एक सीरीज आ रही है, बहुत जल्दी आ रही है, एंड मिनी टीवी में, आपको पता है बहुत जल्दी आ रही है, एंड हाँ एक और कुछ आ रहा है। तो अभी लेट्स सी, बहुत जल्दी हम लोग आप लोगों को और कुछ गुड न्यूज़ दे, ऐसे ब्लेसिंग करो। इनिशियल स्टेजेस पे है बातें अभी, तो जब कंफर्म होती है मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जोड़ी में भी गए सिंगल भी गए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है सिंगल और कपल का, पर हाँ मतलब अभी तो बिल्कुल शुरुआती है, तो अभी हम ऐसे कुछ टिप्पणी तो इस पर नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली आई लाइक अंकिता लोखंडे, क्योंकि हमने उनको पवित्र रिश्ता में इतने पहले से देखा हुआ है, तो एक मतलब ऐसा होता है ना कि हाँ अर्चना है वैसे करके ना, एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। एंड आई एम ऑल्सो लाइकिंग मुनावर अभी तक, तो फिलहाल मुझे मुनावर भी काफ़ी सुलझे हुए लग रहे हैं, कि जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ बोलते नहीं है, ऐसे ही चिल्ला नहीं रहा बेमतलब का, सो या बट ही ऐसा भी नहीं है कि चिल्ला नहीं रहा है तो दिख नहीं रहा है, तो या पसंद तो करेंगे डेफिनेटली, पर मुझे लगता है अभी करियर का बहुत ही शुरुआती टाइम है, तो थोड़ा सा रुक के ठहर के फिर सोचा जाएगा इसके बारे में। अगर मुझे करना होगा देन आई वुड डेफिनेटली लव टू डू झलक दिखला जा एंड बिग बॉस। खतरों के खिलाड़ी नहीं शायद, क्योंकि मुझे पानी का भी फोबिया है और स्नेक्स का भी फोबिया है, तो वो शायद मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएँ आद्विक जी को उनके बर्थडे के लिए। मैं विश करती हूँ कि आने वाला साल, आने वाले कई साल उनके लिए बहुत अच्छे हो। एंड नेहा दी, शी इज़ अ स्वीट हार्ट, बहुत बहुत ही प्यारी है, तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बहुत बाकी है। कोई थीम नहीं, कोई थीम नहीं, मेरे वार्डरोब में सामने दिख रहा था मुझे कि अच्छा लग रहा है, तो मैंने चलो पहन के चली जाती हूँ। हालांकि ये मैंने पहले भी पहना हुआ है, पर मैंने सोचा कि अगर आलिया भट्ट रिपीट कर सकती है तो हम क्यों नहीं। तो यस, मैं भी वेट कर रही हूँ। एक्चुअली क्या हो जाता है कि जब आप एकदम शुरू में एक अच्छा प्रोजेक्ट कर लो तो ना बाकी फिर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हर तरफ से सारी चीज़ें मैच होनी चाहिए। तो आई एम वेटिंग फॉर अ गुड प्रोजेक्ट विद गुड कैरेक्टर, तो करेंगे, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। अब आप लोगों ने इतना सबने मुझे पूछ लिया ना, अब तो करना ही पड़ेगा। फैंस के लिए मैसेज तो हमेशा होता है कि आप लोग इतना प्यार देते हैं मुझे, मेरे रील्स इतने देखते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरह से मुझे प्यार देते रहिएगा, थैंक यू सो मच।